हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न रह पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख बिखर जाएंगे। तो ये पंछी सबसे पहले उठ जाते हैं और हम सबको भी जगाने का काम करते हैं। तो चलो आज अपन कुछ अच्छी हैबिट्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो अगर हम देखें तो कुछ महत्वपूर्ण आदतें हैं जिनको हमें फॉलो करना है। तो सबसे पहले आप बताओ कौन सी अच्छी आदत है। दिन में दो बार ब्रश करना चाहिए और खाने से पहले अच्छे से हाथ धोने चाहिए, इससे हमारे हाथों के पूरे जर्म्स मर जाते हैं। वेरी गुड, बिल्कुल सही कहा तुमने। अगर हम हाथ अच्छे से धोते हैं तो कोई बीमारी नहीं फैलती, इसका हमें हमेशा ख्याल रखना है। अच्छा आप बताओ कौन सी ऐसी आदत है जो अच्छी है। हमें हमेशा मुंह पर टिश्यू पेपर रखना चाहिए जब भी हम खांसते छींकते हो, उससे हमारी बीमारी दूसरों में नहीं फैलेगी। और नाक में तो बिल्कुल उंगली नहीं डालना है क्योंकि वो बैड हैबिट में भी आता है और इससे हमारे हाथों में जर्म्स भी लगते हैं। बिल्कुल ठीक कहा तुमने भाई। इसी तरह हमारे कान भी बहुत महत्वपूर्ण अंग हैं, इनकी भी साफ सफाई जरूरी है। हाँ, लेकिन ध्यान रखना इनमें कोई नुकीली चीज नहीं डालना, किसी बड़े की सहायता से हम कानों को साफ कर सकते हैं। हाँ सर, वो तो बहुत महत्वपूर्ण है, कान नहीं होंगे तो हम सुनेंगे किससे। और दूसरी बात, हमारे आसपास हमें स्वच्छता रखनी है, खास तौर से हमारे शौचालय में। अगर हम शौचालय का इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद हमेशा फ्लश का इस्तेमाल करें, जिससे क्या होगा बीमारियाँ नहीं फैलेंगी और हम निरोगी रहेंगे। अब कुछ महत्वपूर्ण बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आओ, हमें हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहनना चाहिए और अपने बालों को भी व्यवस्थित रखना चाहिए और इस तरह एक अच्छा जीवन, हेल्दी जीवन हम जी पाएंगे। बेटा मैं आपको गार्डन में क्यों लाया हूँ, अपने आसपास जरा देखो क्या दिख रहा है। पेड़ पौधे। हाँ, पेड़ पौधे दिख रहे हैं, लेकिन ये पोषक तत्व कहाँ से पाते हैं। मिट्टी से। इसी तरह हम भी अपने भोजन से ही एनर्जी पाते हैं। जब हम कोई काम करते हैं तो हमें ऊर्जा की जरूरत होती है, वो ऊर्जा हमारे भोजन से पूरी होती है। हमारे भोजन को यदि हम तीन सेक्शन में डिवाइड करें तो पहला सेक्शन कौन सा आता है। एनर्जी गिविंग फूड। अच्छा अब ये बताओ एनर्जी गिविंग फूड में हम क्या क्या रख सकते हैं। दाल, चावल, गेहूं और चने, ज्वार, बाजरा, मक्का, ये सब हम एनर्जी गिविंग फूड में रख सकते हैं, ठीक है। जिससे ब्रेड, रोटी, पूड़ी और पराठा, ये सब बनता है कि नहीं बनता। अच्छा दूसरे नंबर पे आता है हमारा प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव फूड में हम क्या रख सकते हैं। प्रोटेक्टिव फूड में आते हैं हरी पत्तीदार सब्जियां और सभी तरह के फूड। बिल्कुल सही कहा तुमने, जो हमको रोग प्रतिरोधक क्षमता देते हैं, जिससे हम सेहतमंद रहते हैं और बीमार नहीं पड़ते। अच्छा तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण पार्ट हमारे खाने का कौन सा है। बॉडी बिल्डिंग फूड। बॉडी बिल्डिंग फूड में हम दो तरह से देख सकते हैं, पहला शाकाहारी खाना, दूसरा मांसाहारी खाना। और क्या क्या आता है मांसाहारी खाने में। मीट, अंडा, चिकन और मछली। इसी तरह शाकाहारी खाना होता है। शाकाहारी खाने में हम उन सब चीज़ों को खाते हैं जिसमें ये पेड़ पौधों से जो हमें प्राप्त होती हैं फैट्स भी, ऑयल, फैट्स, शुगर, ये भी एनर्जी गिविंग फूड कहलाते हैं। लेकिन ये एनर्जी धीरे धीरे रिलीज़ करते हैं, हमें एनर्जी धीरे धीरे मिलती है। हमको जंक फूड नहीं खाना चाहिए क्योंकि ये जंक फूड एनर्जी कम देते हैं और हमको आलसी बनाते हैं, है ना। तो इस तरह बच्चों ने हमारे साथ गुड हैबिट और बैड हैबिट में अंतर करना सीख लिया है और इनको वो दोहराएंगे, अपने साथियों को भी बताएंगे। तो हम बच्चों से थोड़ा ये जान लें कि गुड ईटिंग हैबिट्स क्या होती हैं। हमें तो आज से 10 ग्लास पानी पीना है और कभी पानी खड़े होके नहीं पीना क्योंकि उससे पानी अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है, और कभी भोजन की बर्बादी नहीं करनी है और हद से ज़्यादा भोजन खाना नहीं है, हमेशा एक बैलेंस डाइट लेकर खाना है। हाँ, गुड हैबिट में तो ये भी आता है कि हमें खाने चबा चबा के खाना चाहिए और टीवी देखते या पढ़ाई करते समय खाना नहीं खाना चाहिए। इसी बात पर मम्मी भी अक्सर हमें टोका करती हैं। हाँ, तो इस तरह बच्चों ने आज गुड हैबिट और बैड हैबिट में अंतर करना सीख लिया है। अब ये बच्चे इन्हें याद रखेंगे, फॉलो करेंगे और अपने साथियों को भी बताएंगे।